वहाड़ी से सैयद साजिद हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर की तरह हुकूमत की हिदायत पर वहाड़ी में भी हफ्ता सेहत मनाया जा रहा है। हफ्ता सेहत के लिए DHQ अस्पताल में मरीजों की स्क्रीनिंग का अमल जारी। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कैंप का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हफ्ता सेहत सोमवार से बुध शाम तक जारी रहेगा। हफ्ता सेहत में मरीजों की मुफ्त स्क्रीनिंग के साथ दीगर अमराज के टेस्ट भी मुफ्त किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि कैंप में हेपेटाइटिस, एड्स, शुगर और मलेरिया की तशखीस भी की जा रही है। हफ्ता सेहत में हिफाजती टीका जात, ख्वातीन और बच्चों का चेकअप भी आसानी के साथ होगा। पंजाब हुकूमत अवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। इफ्तिताह के मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कैंप में कायम तमाम डेस्क पर खुद जाकर जायजा भी लिया और अमला से स्क्रीनिंग के अमल के बारे में मालूमात भी हासिल की। इस मौके पर CO हेल्थ डॉक्टर सिद्दीक अहमद ने बताया, जिला भर के सरकारी हस्पतालों के अलावा मुंतखब मराकज सेहत पर भी हफ्ता सेहत का सिलसिला जारी है। तमाम शहरी किसी भी वक्त आकर अपना मुफ्त तिब्बी मुआयना करवा सकते हैं। डिपार्टमेंट ने ये हफ्ता सेहत का आगाज किया है आज, तो उसकी हमने यहाँ पे इनॉग्रेशन की है। इसमें मुख्तलिफ तरह की स्क्रीनिंग टेस्ट किए जा रहे हैं, जैसा कि इसमें हेपेटाइटिस बी थी, इसमें मलेरिया, एड्स वगैरह के टेस्ट किए जा रहे हैं यहाँ पे। और इसकी खास बात यह है कि एक दफ़ा एक पेशेंट आता है और उसके तमाम ही टेस्ट यहाँ पे एक छत के नीचे थोड़े टाइम में सारे टेस्ट हो रहे हैं। उसे ये पता चलता है कि कौन से लोगों को क्या मसाइल हैं, उनकी कौन कौन सी उनको डिजीज हैं, और उससे आगे उनको आगाही भी दी जा रही है कि उनका आगे से ट्रीटमेंट कैसे होना है। ये मैं आपको बताऊं कि DHQ के अलावा हमारे THQ, RHC और एक BHU में भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो उसमें हमने ये 3 दिन कैंपेन चलानी है और DHQ लेवल पे ये टारगेट है 1000 डेली पेशेंट चेक होंगे और THQ में 500 और RHC में 300 जो पेशेंट्स हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी।